सर क्या लगता है जो 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैम अब तो आप थोड़ी देर के लिए आई होंगी, सबसे पहला बात आपका जो क्वेश्चन है ना ये गलत है, सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, उसके फैक्ट गलत हैं तो सुधारना पड़ेगा। आप इतने बच्चों से उम्मीद है ना, सबके सामने मैंने सवाल पूछा था, कैमरे के सामने सवाल पूछा था कि कोई एक सिंगल बच्चा बोल दे आकर के कि पिछले 4 दिनों में किसी ने आकर के कहा है कि मैं जिंदा बच के आ गया हूँ वहाँ से, या मेरा दोस्त बच के आ गया है, मेरा दोस्त का दोस्त बच के आ गया है, या एक लड़के को देखे वो बोल रहा था, या उस मोहल्ले का रहने वाला बच के आ गया। सिंगल बच्चा ऐसा अभी तक 4 दिन में आकर नहीं बोला कि कोई बच के हम आए हैं या मेरे जान पहचान का कोई बच के आया है वहाँ से। लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में 3 और 4 बच्चे वहाँ पे बैठ करके वहाँ पे मैच नहीं देख रहे, ओलंपिक नहीं देख रहे थे, वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हुए थे। छोटी छोटी जगह होती हैं वहाँ पे 50-60 बच्चे के एक लाइब्रेरी में बैठते हैं, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 40 के आसपास ही हो, लेकिन नहीं, 2 फ्लोर है, बेसमेंट में -2 है बिल्डिंग है, और केवल यही बिल्डिंग नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो किसी एक को टारगेट करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, एक भी बच के नहीं आया है। अगर मान लीजिए बचने वाला नहीं आया, ठीक है, मतलब वो चला गया होगा घर या कहीं, तो उसके दोस्त वगैरह फ्लैट में गया होगा, तो पूरे फ्लैट खाली कर दिए, उसका मोहल्ला खाली कर दिया। कोई यहाँ पर 24 घंटे बच्चे 4 दिन से हैं, कोई आकर सिंगल नहीं बोल रहा है कि मेरे जान पहचान का आया, तो आप फिर 4 बोल रही हैं ना मैम, इसको पहले सुधारिए। 4 नहीं, कम से कम 40 मौतें हुई हैं, ये इतना इंसेंसिटिव हो चुके हैं ये लोग 4 बोल करके, मतलब आदमी के जीवन का भी कोई कीमत नहीं है, मर गया तब भी उस पर उसको कीड़ा मकोड़ा समझ करके ना साइड कर दिया गया, 40 को 4 बना दिए। और यहाँ दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में ये हाल हो रहा है, तो पता नहीं देश के अलग हिस्सों में क्या होता होगा, कितनी कुछ होती होंगी और क्या दिखाया जाता होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, देश की राजधानी है और राजधानी में कई शहरों से बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं। दृष्टि IAS है, वो तो सबसे बड़ा है करोल बाग में, वहाँ सील लगा दी गई कल। अब इस मौके पर बच्चे क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हमने सुना है यहाँ बच्चे भी आपस में बटे हुए हैं, कोई एक साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए बात बटे रहने और खड़े होने का नहीं है, हम ग्रॉस इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, वो चीज़ है ना कि जितनी मौतें हुई हैं वो चीज़ आपको बोलने में इतना डर क्यों लग रहा है? आपने बेसमेंट किसी को देखने नहीं दिया, ठीक है, और बच्चे बटे हुए का बात बोल रहे हैं, तो देखिए क्या है, हम लोग सिविल सर्विस एस्पायरेंट जो हैं, हम लोग को पूरे पढ़ाई करने के बाद भी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लगता है कमी रह गया, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, अलग पागलपन में चल रहे हैं, बच्चों के मेंस हैं यहाँ मैक्सिमम के, इनके नहीं हैं वो PCS वाले किसी के पेपर से हैं, अभी अगर इधर क्लियर नहीं हुआ है अभी प्रीलिम्स, तो अलग अलग पेपर चल रहा है पूरे टाइम, यहाँ पे सिविल सर्विस वाले बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, ठीक ना, उनके साथ देने वाला कोई नहीं है, वो जाकर के रूम पे बीमार पड़ जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो वो बच्चे यहाँ पूरे देर नहीं रह सकते हैं। तो बाहर के यूनियन के बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन के, सारी पार्टियों के लगभग, तो वो बच्चे भी हैं, बीइंग एस्पायरेंट ऑफ सिविल सर्वेंस रिसाइडिंग इन ORM, आई वेलकम देम, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो इसीलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है थोड़ा बहुत, तो उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये जो ब्रॉडर जो चीज़ है, मौतें इतनी हुई हैं, ऊपर से ठीक है आप जिम्मेदार मान के केवल इसको बेसमेंट बंद कर दिए या बेसमेंट बाकी इंस्टीट्यूटों का बंद कर दिए, ये सोल्यूशन है क्या? ये तो बात वही हुई ना कि निजर्क रिएक्शन क्या, मतलब अगर किसी को बीमारी है तो बीमारी का इलाज ना कर रहे हो आप वो पार्ट बॉडी का ही काट करके फेंक दे रहे हो। लाइब्रेरी अगर उन्होंने खोला है तो बच्चे स्वेच्छा से ही जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं टेम्परेरी, क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, तो दरअसल ये स्वेच्छा से नहीं है, फोर्स्ड है कि हम लोगों को बेसमेंट की लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, सफोकेशन होता है वहाँ पे, कई बार टोकना पड़ता है कि यार AC चला दो लाइब्रेरी वाले को, फिर भी नहीं चलाते हैं, तो बच्चे मजबूरी में ही जा रहे हैं ना, ठीक है, मजबूरी में जो जा रहा है, जो पहले से मजबूर है उसका लाइब्रेरी भी आप वहाँ पे बंद केवल करा करके और शांत बैठ जाओ कि मैंने एक्शन ले लिया, तो इससे घोर अन्याय कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट जो है करना पड़ेगा बच्चों के बैठने के लिए, और यहाँ से 30,000 करोड़ से ज़्यादा का इकोनॉमी जनरेट होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, उसको समझ में नहीं आया कहाँ से आ रहा है, किस रिसोर्स से आ रहा है, उसका इंफ्रा दें, उसके लिए जो बेसिक नीड है वो प्रोवाइड करें, तो यहाँ गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरी का 10,000 कैपेसिटी होना चाहिए, सीटिंग कम से कम अलग अलग बना देना, 2,000 का बना दे, 1,000 का बना दे अलग अलग मोहल्ले में, लेकिन ये गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरी बननी चाहिए। फी लेना है ले लो, आप हम लोग से 1500 फी लो, उसका मंथली लेना है 2,000 लेना है लो, क्योंकि बाकी जगह हम लोग दे ही रहे ना 4,000 तक दे रहे हैं हम लोग लाइब्रेरी का फी, हम लोग वो दे देंगे, लेकिन हम लोग को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, बनाओ, सील करना सोल्यूशन नहीं है, और केवल सील करके रुक गए ना तो कहो कि हम लोग मतलब बोरिया बिस्तर बांधे और चले जाएं, भूल जाएं सब तैयारी करना, तब यही चाह रहे हो अगर केवल सील करके छोड़ देते हो तो। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, स्टूडेंट्स को देश का भविष्य माना जाता है, और आज देश का भविष्य, आप हमें तो 5 बताया गया, आप तो 40 बता रहे हैं, देश का भविष्य इस तरीके से डूब के, मैं ये लॉजिकली आप बता दीजिए, मैं क्वेश्चन ये कॉमन पब्लिक यहाँ के बच्चों के सामने मैंने क्वेश्चन किया, आप लोग आपके दर्शक दूर होंगे वो नहीं जान रहे हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के सारे बच्चे जो हैं उस लोकल वाले भी उसमें हैं ना, किसी ने एक ने भी जवाब दिया, आप भी सामने थी कैमरा के सामने, मैंने पूछा कि क्या किसी
का एक जानने वाला कोई आके बोला है कि मैं या मेरे जानने वाले या दूर दूर या कोई बच के आया है? नहीं आया। तो आप समझ जाइए कि लाइब्रेरी में है, जिस समय पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी शाम के टाइम पर, ऐसा भी नहीं, यहाँ पर रात के 3 बजे जाइएगा तो तब भी 20-30 बच्चे मिनिमम एक लाइब्रेरी में मिल जाएंगे आपको। तो 8 बजे के आसपास सोचिए कि कितने बच्चे बैठे होंगे और सिंगल किसी के जान पहचान वाला दूर दूर तक नहीं बोल रहा है करके जिंदा लौट के आए हैं। तो आप गेस कर लीजिए कितनी मौतें हुई हैं। जितना ढकना है ढकते रहिए, लेकिन मौतें कितनी हुई हैं आप इसी से अंदाज लगा दीजिए, 40 से कम नहीं हुई हैं।